पहचाना मुझे? मैं हूँ एक पेड़, जंगल का पेड़। तुम्हें कहानी सुनाने आया हूँ, कहानी जो जंगल में घटी और जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। लो, वही कहानी तुम भी सुनो। कहानी का नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ। दिन पहले की बात है, किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर बनाया था मधुमक्खियों ने छत्ता। छत्ता जानते हो ना, इसी में शहद इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ नदी किनारे आसपास फूलों पर, पत्तों पर गाती, गुनगुनाती और घूमती। एक दिन रानी मक्खी भी घूमने निकली, तभी आया हवा का एक तेज झोंका। ये क्या, रानी मक्खी सीधी जा गिरी नदी के पानी में। नदी किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मक्खी को बहते देखा। रानी मक्खी ने पानी में से निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर वो निकल ही नहीं सकी। कबूतर ने सोचा, मुझे किसी तरह रानी मक्खी को बचाना चाहिए। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो झट उड़कर पेड़ पर पहुंचा। और एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में दबा लाया। पत्ता उसने डाल दिया पानी में, मक्खी पत्ते पर आ गई। इस तरह रानी मक्खी की जान तो बच गई, पर कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और बाकी है। तो सुनो आगे की कहानी। उसी जंगल में एक दिन आया एक शिकारी। शिकारी पक्षियों का शिकार करने वाला। और कबूतर की बच गई जान। मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो चित्रों की सहायता से सुनाई। ये चित्र बनाने मुश्किल नहीं है, तुम भी इन्हें बनाना सीख सकते हो और नई कहानी कह सकते हो। पेड़ को बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? पहले कागज पर इस तरह तीन तीन बिंदियां लगाई, बिंदियों को इस तरह जोड़ दिया। बस बन गया पेड़। और अब बनाते हैं पत्ता। अपने हाथ को ऐसे फैलाकर लो, बन गया पत्ता। और अब बनाते हैं मधुमक्खी। इस तरह आमने सामने दो लाइन खींची और बनाए
दो आधे आधे गोल। ये बना मक्खी का मुंह और आंखें। तैयार हो गई मधुमक्खी। अब बनाते हैं कबूतर। पहले गोल, उससे जोड़कर बनाया आधा चांद, फिर पंख, आंख, चोंच और पैर, और ये कबूतर तैयार। अब तुम भी चित्रों की मदद से कोई नई कहानी बना सकते हो और अपने मित्रों को दिखा सकते हो। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। और हमारा पता है, दीक्षा राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, उत्तर प्रदेश, निषादगंज, लखनऊ 226007। विदा लेते हैं। जय हिंद।